क्या होता है सदाचार जीवन, क्या होता है सादगी भरा जीवन, क्या होता है एक स्वस्थ जीवन, आइए जानते हैं। रात्रि 11 से 3 के दौरान आपके रक्त संचारण का अधिक भाग लिवर का होता है और वहीं केंद्रित होता है। जब लिवर अधिक खून प्राप्त करता है तब उसका आकार बढ़ जाता है। यह महत्वपूर्ण समय होता है जब आपका शरीर विष हरण की प्रक्रिया से गुजरता है। आपका लिवर शरीर द्वारा दिन भर में एकत्रित विषाक्त पदार्थ को निष्क्रिय करता है और खत्म भी करता है। यदि आप 11 बजे सो जाते हैं तो आपके पास अपने शरीर को विषमुक्त करने के लिए पूरे 4 घंटे होते हैं। यदि 12 बजे सोते हैं तो 3 घंटे और यदि 1 बजे सोते हैं तो 2 घंटे। मान लीजिए यदि 2 बजे सोते हैं तो केवल 1 ही घंटा विषाक्त पदार्थों की सफाई के लिए मिलता है। अगर आप 3 बजे के बाद सोते हैं, दुर्भाग्य से आपके पास शरीर को विषमुक्त करने के लिए कोई समय नहीं बचा होता है। यदि आप इसी तरह से सोना जारी रखते हैं, समय के साथ यह विषाक्त पदार्थ आपके शरीर में जमा होने लगता है। क्या आप कभी देर तक जागे हैं? क्या आपने महसूस किया है कि अगले दिन आपको बहुत थकान होती है, चाहे आप कितने भी घंटे सो लें, शरीर फिर भी थका हुआ लगता है। शरीर को विषमुक्त करने का पूरा समय ना देकर आप शरीर की कई महत्वपूर्ण क्रियाओं से भी चूक जाते हैं। प्रातः 3 से 5 के बीच रक्त संचारण का केंद्र आपके लंग्स होते हैं। इस समय आपको ताजी हवा में सांस लेना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। अपने शरीर में ऊंची ऊर्जा भर लेनी चाहिए। किसी उद्यान में बेहतर होगा, बगीचे में जाइए। इस समय हवा एकदम ताजी और लाभप्रद आयनों से भरपूर होती है। प्रातः 5 से 7 के बीच रक्त संचारण का केंद्र आपकी बड़ी आंत की ओर होती है, यानी स्टमक। आपको इस समय शौच करना चाहिए। अपनी बड़ी आंत से सारा अनचाहा मल बाहर कर देना चाहिए। अपने शरीर को दिन भर ग्रहण किए जाने वाले पोषक तत्वों के लिए तैयार करना चाहिए। सुबह 7 से 9 के बीच रक्त संचारण का केंद्र आपका पेट या अमाशय होता है। इस समय आपको नाश्ता करना चाहिए। यह दिन का सबसे जरूरी आहार होता है। ध्यान रखें कि इसमें सारे आवश्यक पोषक तत्व हो। सुबह नाश्ता ना करना भविष्य में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। तो आपके पास अपने दिन की शुरुआत करने का आदर्श तरीका आ गया है। अपने शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी का अनुसरण करें, अपनी प्राकृतिक दिनचर्या का पालन करें और स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे।